एक सुनिए, एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कहा जाता है कि एक ही नारा एक ही नाम, पत्रकार महोदय एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम पकड़े जाओ तो जय श्री राम। बात तो सही है, काम होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। IIT, एम्स, इसरो, नेशनल हाईवे, मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोडे, बैंक, राष्ट्रीयकरण, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पोलियो मुक्त भारत, ये कांग्रेस की देन है। अंधभक्तो सुधर जाओ, अंधभक्तो सुधर जाओ। दोस्तों एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ अंधभक्तों पर। दोस्तों आपको तो पता है हिंदुस्तान में कुछ लोगों का काम है मोदी मोदी करना और मोदी की तारीफ करना, तो मिलिए इस अंधभक्त से जो मोदी का जाप कर रहा था। तो हमारे इस भाई ने इसकी अच्छे से कुटाई कर दी और उसको पूरा एक्सपोज कर दिया है। तो क्या एक्सपोज करा है आइए वीडियो में देखते हैं, बने रहे वीडियो में आखिर तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप काम गिनने हैं तो आप उनकी योजनाओं की लिस्ट देख लीजिए, 156 योजनाएं चल रही हैं। 2 करोड़ रोजगार दे दिया गया, 2 करोड़ से ज्यादा दिया गया है, अगर प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ते हैं तो। तुरंत आप मुझे CMI की रिपोर्ट दिखाइए। अरे दादा आप समझ, बड़ा हरामी हो बेटा। 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, हो गई होंगी। कहाँ बना है? बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, 3 हुआ अभी तो। तो हम 100 थोड़ा गिनाएंगे आपको, मतलब काम नहीं हुआ है। अच्छा गजब बेइज्जती है, बताओ तो कि सिलेंडर सस्ता किया गया कि नहीं? सिलेंडर महंगा किया गया है, महंगा किया गया है। तो भाजपा ने क्या कहा था? बहुत हुआ सिलेंडर की मार, अब की बार भाजपा सरकार आए इसमें। भाई सुनिए हमको, मैं जानता मोदी जी आपसे भी ज्यादा तेज बोलते हैं। मोदी जी की हमको दिक्कत नहीं है, आप सभी बनेंगे हमको दिक्कत नहीं। यही नहीं अभी और सुनिए, इसके लिए बोलते हैं तो आप बताइए कि 410 रुपए में था, 410 रुपए में सिलेंडर था। स्मृति ईरानी जी क्या कह रही थी? सिलेंडर लेके घूम रही थी कि नहीं घूम रही थी? हाँ आज 1100 रुपए में सिलेंडर है। स्मृति ईरानी जी कहाँ लापता है भैया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। महंगा है सिलेंडर, आप भी सिलेंडर महंगा है, महंगा मानते हैं। 50 और 55 में था, 100 रुपए में आपको मिल रहा है, कितने में मिल रहा है? एक बात, आपको डीजल पेट्रोल कितने में मिल रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ बता, 100 के करीब मिल जाए। अरे आपको भी सबको मिल रहा है भाई, सबको कैसे मिल रहा है भाई? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सुनो 100 रुपए, लेकिन इकोनॉमिक देख रहे हो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है इकोनॉमिक? की अर्थव्यवस्था कितनी है? $4 trillion पहुँच गई है। क्या था? भाइयों बहनों मित्रों, हमारी सरकार बनेगी, $5 trillion की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे, मतलब 1 trillion नीचे, 1 trillion नीचे। हम आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई, नेगेटिविटी दिखाई देती है देश में, पॉजिटिविटी दिखाई। इतने तुमको प्रधानमंत्री हैं कि अगर मोदी जी आ जाए तो मैं चुम्मा ले लूंगा। मोदी जी आई लव यू। प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और गरीब का बेटा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए, बेईमानी है कि नहीं है? बेईमानी है कि नहीं है? बेईमानी है, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बेईमानी दिखाई देती है, बाकी चीजें नहीं दिखाई देती है। काम गिनवा, मैं खुश हूँ भैया, तुमको दिखाई नहीं देता काम, होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। एक सवाल, आप बात करते हो अखंड भारत बनाएंगे ना, अखंड भारत में कितने देश आते हैं, नाम गिनाओ। मुझे नहीं पता, अखंड भारत हो, मुझे नहीं पता, नहीं मैं नहीं चाहता, जो जैसा है वो वैसा रहे, बस हवा निकल गई, वैसा रहे। इंस्टाग्राम पे एक रील देखी होगी, इस समय इंस्टाग्राम पे 2 रील बहुत ट्रेंड कर रही है, एक तो मोय मोय और दूसरा नहीं मुझे मारो। होगा आप क्या चाहते हो, मोदी जी आए आपकी की ना आए? मैं चाहता हूँ एक बार राहुल गांधी को चांस दूंगा, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, इसलिए सुनो इसलिए चाहता हूँ क्योंकि 2 टर्म बीजेपी हो चुकी, 3रा टर्म मैं चाहता हूँ सरकार पलटे, लोगों में विकासशील की भावनाएं बढ़ेंगी। बीजेपी आई, बीजेपी लोगों के लिए काम करेगी, नहीं करेगी जनता उठा के फेंक देगी, वहाँ फेंकेगी ना जनता तो काम, बीजेपी भी काम करेगी। हमें लगता है नीतीश कुमार के लड़के हैं ये, नीतीश कुमार के लड़के, हमें नहीं, हमें देश, उन्होंने कहा नहीं ना कि मोदी कोर्ट करे, पीछे से आया, हाँ नहीं उन्होंने कहा नहीं कि मोदी कोर्ट करे, संबित पात्रा होंगे, आते आते हवा टाइट हो गई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।